आज मैं कक्षा चौथी को उनकी व्याकरण लतिका चार का सातवां पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है क्रिया। क्रिया जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग किताब में देखते हैं कि क्रिया के किन किन उदाहरणों द्वारा क्रिया को अच्छी तरह से समझाया गया। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्रिया के बारे में। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें मम्मी स्वेटर बुन रही है, दादी अखबार पढ़ रही है, विनीत नाम का बच्चा वो खिलौनों से खेल रहा है, मीता नाच रही है और मेज़ पर कुछ फल रखे हैं या हैं। तो इन वाक्यों में लाल रंग से रंगे गए जो शब्द हैं वो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, या इन शब्दों से किसी काम के होने का बोध होता है या पता चलता है। जैसे स्वेटर बुनना, अखबार पढ़ना, खिलौनों से खेलना, नाचना या फिर होना, मेज़ पर फल का होना। तो ये बुनना, पढ़ना, खेलना, नाचना, होना आदि सभी काम हैं, क्रिया को दर्शाने वाले शब्द हैं। तो काम करने या होने को बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्रिया शब्द हैं, जैसे कि खाना, पीना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, आना जाना, उगना, बोना, लेना देना, उड़ना, लिखना, कुछ याद करना, है या हूँ, ये सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब हम बताएंगे आपको काल किसे कहते हैं। काल यानी यहाँ मृत्यु नहीं, काल का मतलब है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या किसी काम के करने के समय का पता चलता है हम उसे काल कहते हैं या क्रिया का समय कहते हैं। यानी मीता ने गाना गाया, यानी मीता गाना गा चुकी है, यानी ये काम हो चुका है, ठीक है, तो ये भूतकाल हुआ। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, यानी अभी भी हैं, अभी भी फूलों को किसी ने तोड़ा नहीं, वो बगीचे में अभी भी विद्यमान हैं, यानी ये काम जो है वो हो रहा है या हो रहा है, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और अगला उदाहरण देखिए, श्वेता कल प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी वो पार्टिसिपेट करेगी, अभी तक की नहीं है, वो करेगी कल। तो आने वाले कल के बारे में बताया गया है, जो काम होगा अभी हुआ नहीं है, यानी ये भविष्यत काल है। तो इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, हो रहा है या आगे आने वाले समय में होगा। तो अब हम जान गए हैं कि किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है, और क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। चलिए आइए हम जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके माध्यम से क्रिया को ज़रा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये एक चित्र यहाँ दिया गया है, आपको चित्रों को देखकर वाक्यों को पूरा करना है। एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि सूरज निकल रहा है, मयंक नाम का लड़का पतंग उड़ा रहा है, मोहिनी रस्सी कूद रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो जो शब्द हमने खाली स्थान में भरे वही शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। उड़ रहा है, कूद रही है, बैठा है, उड़ रहे हैं, उड़ा रहा है, निकल रहा है, ये सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। यानी हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया शब्द ज़रूर होता है, तभी जाकर वह वाक्य पूर्ण कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दो।
सामने दी गई है क्रिया, यानी ब्रैकेट में कुछ क्रिया दिए गए हैं, उनका सही रूप आपको लिखकर वाक्य को पूरा करना है। चूहे ने मेरी कमीज कुतरना से हमने लिखा कुतर दी। मैं कल बाजार से फल लाना से हमने बनाया लाया था, लाई थी या लाऊंगा या लाऊंगी। नवीन ने तालाब से मछली पकड़ी या पकड़ी है। विदिता हारमोनियम बजाती है, बजा रही है या बजा रही थी। ठीक है, प्रश्न 3 में देखिए, एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें से आपको क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है या छांटना है। आसमान में बादल गड़गड़ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गड़गड़। लगता था कि बारिश आएगी, क्या आएगी? बारिश। माँ ने कहा ध्रुव बाहर मत निकलो या बाहर मत जाना, तो माँ ने क्या किया? कहा, और बाहर मत जाना। तो यहाँ जाना शब्द जो है कर रहे हैं, आएगी, कहा, जाना, ये चारों शब्द क्रिया कहलाते हैं, इन पर आप रेखांकन कीजिए। मौसम खराब है, तो यहाँ है जो है क्रिया है। ध्रुव बोला, बोला क्रिया है। माँ मुझे बारिश में नहाना अच्छा लगता है, तो यहाँ नहाना और लगता है क्रिया है। मेरे मित्र कागज़ की नाव तैराएंगे, तैराएंगे क्रिया है। मैं जाऊँ माँ, जाऊँ क्रिया है। ठीक है पर जल्दी आ जाना क्रिया है। माँ ने कहा, ये कहा भी क्रिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्रिया के बारे में जितने भी मैंने आप लोगों को कार्यपत्र दिए हैं उनको भी करने की कोशिश करना। चलिए आइए मैं आपको कार्यपत्र दिखा देती हूँ। पहले तो मैंने यहाँ परिभाषा दी है क्रिया की, कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ क्रिया शब्दों के बारे में लिखा है, खाना पीना सोना हंसना आदि, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्रिया को समझाया है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, बादल बरस रहे हैं, श्वेता कल प्रतियोगिता में भाग लेगी, और काल की भी परिभाषा यहाँ मैंने लिखवाई है। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का या करने के समय का पता चलता है वह क्रिया का समय या काल कहलाता है। जैसे मीता ने गाना गाया, भूतकाल, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वर्तमान काल, वह कल दिल्ली जाएगा, भविष्यत काल। अब प्रश्न 2 में आपको वाक्यों को पूरा करना है सही क्रिया शब्द भरकर। अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर डैश मचाना, मचाना से क्या लिखा है? बच्चों ने शोर मचाया। ईशा भगवान की पूजा करती है, मोहनीश क्रिकेट खेलेगा, माँ रामायण पढ़ती है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, रेखा मंच पर नाच रही है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। आगे जो आपको कार्यपत्र में प्रश्न 3 दिया गया है कि आपको हर वाक्य में से क्रिया शब्द छांटना है या रेखांकित करना है। वह कुछ कह रहा था, तो कह रहा था क्रिया है। उसने आइसक्रीम खाई, खाई क्रिया है। सरोवर में कमल का फूल खिला है, खिला है क्रिया है। रमेश क्रिकेट खेलेगा, इसमें खेलेगा क्रिया है। सूरज निकला है, निकला है क्रिया है। पूर्व दिशा में लाली छाई है, छाई है जो है ये दोनों शब्द क्रिया है। क्यारियों में गुलाब के फूल खिले हैं, खिल रहे हैं, तो खिल रहे हैं क्रिया है। पेड़ पर एक बंदर बैठा है, बैठा है क्रिया है। एक लड़की झूला झूल रही है, यहाँ झूल रही है क्रिया है। रमा रस्सी कूद रही है, तो कूद रही है क्रिया है। प्रिया रोती है, यहाँ रोती है जो है क्रिया है। गुलाब खिलता है, खिलता है क्रिया है। तन्मय लिख रहा है, तो लिखना क्रिया है, इसका मतलब लिख रहा है, ये तीनों शब्द क्रिया है। तुम वहाँ जाओ, जाओ शब्द क्रिया है। मैं सोचूंगा, सोचूंगा शब्द जो है वो क्रिया है।
अब प्रश्न चार में आपको कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा अपने आप होने वाली क्रिया है, उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। जैसे सूर्य का उगना, यह अपने आप होता है। खाना परोसना, क्या अपने आप होता है? नहीं। तो सूर्य का उगना सही, खाना परोसना नहीं, फूल का खिलना सही, दौड़ना, क्या हम अपने आप दौड़ते हैं? बिल्कुल सही। नदी का बहना सही, गुब्बारा फुलाना, ये तो हमें हवा से फुलाना पड़ता है ना, अपने आप तो गुब्बारा फूल नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। टहलना सही, क्योंकि खुद ब खुद अपने आप टहला जा सकता है। पेड़ का बढ़ना अपने आप होता है, सही। घड़ी का चलना भी अपने आप होता है, सही। खेलना, हम खुद ब खुद खेल सकते हैं, सही। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कार्यपत्र और प्रश्न अभ्यास या अभ्यास प्रश्न। तो आप क्रिया से जुड़े हुए अन्य कार्यपत्र भी अन्य किताबों में देख सकते हैं और उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।